Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अल्लाह का करम है और आप लोग की दुआ। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं जुलेखा अरफान, जुलेखाज किचन से। आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ नमकीन वाइट चिकन पुलाव। नाम जैसे आप सुन लिए हो तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादातर जो यखनी है, जो पानी, जो स्टॉक हमें मिलता है, बस उसी से ये बनती है, तो वो फ्लेवरफुल होगी, उसी से ही बनेगी ये। सो ज्यादा इसमें कोई खास एकदम कुछ दही वगैरह और ऐसा कोई प्याज वगैरह ऐसा कोई खास फ्राइंग के टाइम पे और ऐसा कुछ डाली नहीं जाएगी, लेकिन फ्लेवरफुल होगी। तो फ्लेवरफुल चावल जो होते हैं पुलाव, बहुत ही मजा आएगा आपको खाने के लिए। मैं इसे ये जो फ्लेवर्ड दही है उसके साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो रायता, आप चाहे तो कचुंबर के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे ये डिफरेंट स्टाइल की चिकन पुलाव है। कुछ डिफरेंट स्टाइल की चिकन पुलाव मैंने मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां चेक कर लीजिएगा। मटन पुलाव है, चिकन पुलाव है, मटर पुलाव है और बहुत सारे पुलाव हैं, आई थिंक सो। तो आप वहां देख लीजिएगा। और तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, ये है धोई हुई और चर्बी निकाली हुई 750 ग्राम चिकन हड्डियों के साथ है। एक बड़े से बर्तन में डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए एक बड़ी साइज की प्याज, मोटी मोटी काटी हुई, 15-16 कली लहसुन की, आप चाहे तो छिलटे के साथ या बिना छिलटे के डाल सकते हैं, 1.5 इंच टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, आधा नींबू का रस, आप चाहे तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ 7-8 हरी मिर्चियाँ डाल रही हूँ, आप कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और 1 छोटा चाय का चम्मच नमक, 2 कप पानी। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 छोटा चाय का चम्मच सौंफ, 1/4 छोटा चाय का चम्मच जीरा, साबुत जीरा, और 1 छोटा चाय का चम्मच साबुत धनिया। और इसमें उबाल आ जाने दीजिए, मैंने ढक दिया है। उबाल आ जाए तो चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आंच। मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था स्टॉक के लिए, तो मैंने 1 कप और डाला है और तकरीबन हुआ टोटल 3 कप पानी। अब इसमें पकने दीजिए इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पर। जब अच्छा पक जाता है तो चूल्हे को सबसे पहले तो बंद कर दीजिए। अब ये जो चिकन है ये सारों को नितार कर निकाल लीजिए और ये जो बचा हुआ स्टॉक है, यखनी हो गई है बहुत ही मजेदार सी फ्लेवरफुल, तो इसे छान लीजिए और इस कदर छानिए कि बहुत अच्छा कस निकल जाए उसका सारा, और ऐसे कोई साबुत दिखे ना आपको। आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं और चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। चलिए, अब सेम पतीली के अंदर तेल डाल दीजिए अपने हिसाब से। अच्छा, ये स्टॉक कहिए, यखनी का जो पानी है वो कहिए, वो मैंने साइड पर रख दिया है। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। इसमें डाल दीजिए 2 तेज पत्ता, 3 बादियान, 6 हरी इलायची, 8 लौंग, 2 काली इलायची, 1 डंडी दालचीनी की बड़ी, 1/2 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्च साबुत और 1 छोटा चाय का चम्मच शाहजीरा। ये सारा डालकर इसे तड़तड़ा जाने दीजिए गरम मसालों को तेल के अंदर। जब तड़तड़ा जाए तो ये जो आपने चिकन साइड पर रखी है ये डालकर इन्हें समझिए ना 1.5 मिनट तक फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। चलिए, 1.5 मिनट हो जाता है चिकन फ्राई करके, तो अब हम पानी डाल देते। तो ये है स्टॉक, तकरीबन 1.5 कप निकला है, वो जो फ्लेवरफुल स्टॉक जो हमने बनाया था ये 1.5 कप है, और बाकी इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 3 कप। तो ये 3 कप में टोटल हुआ 4.5 कप, तो हमें तकरीबन 5 कप के आसपास लगता है। अभी मैं 4.5 डाल रही हूँ, एंड में छींटा मारने के टाइम पे शायद मैं 1/2 कप डालूंगी, लेकिन आप आपके चावल के हिसाब से ले सकते हैं। इसमें चावलों के भाग का नमक भी डाल दीजिए, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया यानी कि कोथमीर, और थोड़ा सा चाहे तो पुदीना भी बारीक काट कर डाल सकते हैं, और इसे ढक कर उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाता है तो यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं 3 कप। तो अब आप चावल का धोकर इसे नितार कर डाल दीजिए। अब चावल का ये है कि आपने 3 कप लिया है, तो मैंने आपने देखा मैं 5 कप जितना पानी डाल रही हूँ। अब आप आपके चावल के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, आप चाहें तो डबल पानी भी ले सकते हैं, मतलब 6 कप। अब बस अच्छा उबाल खिला लीजिए, बार बार चलाते रहिएगा। अब ये जो पानी है ना हल्का सा नमकीन होना चाहिए। ये देखिए अच्छे से मैंने इसे कस निकाल लिया था हाथों की मदद से, अच्छा उबाल आ जाता है और ऑलमोस्ट चावल ड्राई हो जाते हैं। तो मैं यहाँ 3-4 हरी मिर्चियाँ डाल देती हूँ, थोड़ी सी और मैंने बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दी। अच्छा खासा ऑलमोस्ट ड्राई हो गया, चूल्हा स्लो करके इसे ढक कर दम पे रख दीजिए, कुछ ऊपर वजन रख दीजिए, और मैं नीचे है ना गरम करा हुआ तवा भी रख देती हूँ तकरीबन 15-20 मिनट के लिए, तो दम पर अच्छी पक जाएगी। बट इसी दौरान मेरा गैस चला गया और फिर 1/2 घंटे के बाद मुझे कंटिन्यू करना पड़ा। हाँ,
फिर मैंने आधे घंटे के बाद जब इसे रखा, तो आपको भी पता है चावल थोड़े से ये हो जाते हैं, आधे घंटे तक चावल पके ही नहीं थे, तो मैंने थोड़ा सा छीटा मारा पानी का और उसे दम पर रख दिया था 15-20 मिनट के लिए। तो चलिए अब मैंने इसे हटा दिया साइड पर और इसे पक चुके हैं, बराबर से हो चुके हैं। आप 15-20 मिनट में चेक कर लीजिए, अच्छे भाप फूट जाए और बराबर से हल्का नीचे लगने लगे तो चूल्हा कर दीजिए बंद और इन्हें एक सर्विंग बाउल या डिश में निकाल के गर्मा गर्म सर्व करें। मैं इसे फ्लेवरफुल इसके साथ दही के साथ सर्व कर रही हूँ, आप रायता या कचुम्बर के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप मेरी रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपके कमेंट्स पढ़ने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट आप लोग बहुत ही कंजूसी करते हो लाइक करने में, आप देख सकते हैं कितनी परेशानियां कभी कभी होती है हमें रेसिपी बनाने के लिए भी। तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।